भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी यानी 20 जुलाई 2021 को आपको गौ माता को एक वस्तु खिला देना है। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में यदि हम देवशयनी एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ और हरी घास यदि खिला देंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट और कष्ट नहीं आएगा। 20 जुलाई 2021 को देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी जो कि सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। तो भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के दिन आपको गौ माता को हरी घास तथा गुड़ खिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सनातन धर्म में बताया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है और प्रत्येक माह में दो बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और जब मनुष्यों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्य का उदय होता है तब उसे सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो यदि आप भी एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और सभी भक्तों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी है जिसका नाम पद्मा एकादशी भी है और इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होगा। तो देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस बार एकादशी का जो महापर्व है वो इस प्रकार रहेगा। एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा इस व्रत को खोलने का समय कब से कब तक रहेगा और किस विधि से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा एकादशी तिथि में कौन कौन से नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। देवशयनी एकादशी जो कि इस बार 19 जुलाई 2021 को रात को 9:59 से प्रारंभ हो रही है जो कि 20 जुलाई 2021 को शाम को 7:17 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 20 जुलाई 2021 को ही रहेगी। तो सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसी दिन देवशयन का कार्य भी किया जाएगा तथा इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाएगा। चातुर्मास के नियम भी इसी दिन से प्रारंभ माने जाएंगे और देवशयनी एकादशी जो होगी उस व्रत को सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को अवश्य करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत पहले से करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो भी आपको देवशयनी एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए, क्योंकि साल में जितनी भी बड़ी बड़ी एकादशियां होती है उनमें देवशयनी एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना गया है और 20 जुलाई 2021 को एकादशी का व्रत किया जाएगा तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 21 जुलाई 2021 बुधवार के दिन सुबह 5:36 से लेकर के सुबह 8:21 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए।
क्योंकि विधि विधान से व्रत करेंगे, विधि विधान से व्रत का पारणा करेंगे, तभी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक निरंतर 3 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि दशमी के दिन उनको कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि यानी 19 जुलाई 2021 सोमवार के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन शहद का त्याग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल आपको जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आपको कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। उस समय आपको स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके पश्चात आप शुद्ध अवस्था में शुद्ध वस्त्र धारण करे हुए और धुले हुए वस्त्र पहन करके एक आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख या उत्तर में मुंह करके या फिर अपने देवताओं की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना चाहिए। अपने पूजा स्थल या मंदिर में बैठ करके आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए और संकल्प में आपको हाथ की जो मुद्रा रहेगी वो इस प्रकार रहेगी तथा हाथ के मध्य भाग में आपको जल रखना है, तुलसी जी के पत्ते रखना है। हालांकि तुलसी जी के पत्ते एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पूर्व ही आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं तो सूखे हुए तुलसी के पत्ते या चढ़ाए हुए जो पत्ते हैं उनको भी आप धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, तुलसी जी का उपयोग बारंबार किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार के भ्रम और भय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तथा हाथ के मध्य भाग में जल, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी और अक्षत के रूप में जौ और तिल का उपयोग आपको करना चाहिए। काले तिल या सफेद तिल दोनों में से कोई भी तिल का आप उपयोग कर सकते हैं तथा संभव हो तो एक सुपारी भी आप रख लीजिएगा तथा कुछ दक्षिणा भी इसमें आपको रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको संकल्प करना चाहिए। हम आपको संस्कृत में पूरा संकल्प बोल करके सुनाएंगे, यदि आप चाहें तो हिंदी में भी अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए आपको संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। यदि आप निष्काम भाव से भी व्रत करते हैं एकादशी का तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप सकाम भावना, सकाम का अर्थ होता है मन में कोई भी कामना या इच्छा हो तो उसे सकाम कहा जाता है। वहीं निष्काम भाव का अर्थ होता है मन में कोई भी इच्छा न हो, केवल प्रभु की भक्ति आपको प्राप्त करनी हो, मोक्ष पद की प्राप्ति आपको करनी हो, उसे निष्काम भाव कहा जाता है। दोनों ही अवस्था में आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खाने में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तथा पूजन अर्चन में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन यदि आपके घर में व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपके घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा अभक्ष भक्षण से दूरी बना करके रखना चाहिए तथा एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए और एकादशी के दिन आपको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए।
क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तथा घर के बड़े बुजुर्ग या माता पिता अथवा सास ससुर का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको देवी देवताओं की, साधु संतों की, शास्त्रों की भी बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एकादशी तिथि के दिन यदि आपके घर पर कोई याचक आता है, मांगने वाला आता है या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसे अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार होता है वो दूध से बनी वस्तुएं या दूध अथवा मिठाई होती है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल का उपयोग आप एकादशी के फलाहार में अवश्य ही कर सकते हैं। और माताओं बहनों को यदि एकादशी के दिन या आगे पीछे मासिक धर्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या पीरियड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में उनको व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए, केवल भगवान का पूजन तथा प्रभु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी व्रत के सभी नियमों का पालन निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान केवल भगवान का पूजन तथा स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें गर्भावस्था में रहती है, गर्भवती रहती है, उनको भी एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल निराहार या निर्जला एकादशी का व्रत न करे। फलाहार करके अच्छी प्रकार से अपने शरीर तथा अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करेंगे तो उनको उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति हो पाएगी। इसी प्रकार एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए, एकादशी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए तथा एकादशी के दिन आपको किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एकादशी के दिन गो माता की सेवा करना चाहिए, गो माता को हरी घास खिलाना चाहिए, गौशाला में दान पुण्य भी करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहिए, फलाहार का दान करना चाहिए या अन्नदान या कोई भी वस्तु का दान एकादशी के दिन यदि आप करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एकादशी का जो व्रत करता है उसको कथा का श्रवण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जब आप कथा का श्रवण करेंगे तभी आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुनेंगे तो आपको साक्षात नारायण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। और जब आप कथा का श्रवण करते हैं तो आप कथा सुनाने वाले विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, क्योंकि दक्षिणा जब आप प्रदान कर देंगे तभी आपको एकादशी की कथा का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। इसी प्रकार आपको ब्राह्मण को वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे बड़ा व्रत होता है और देवशयनी एकादशी तो अपने आप में ही कल्याणकारी एकादशी मानी गई है, क्योंकि इसी दिन से चार माह के लिए निरंतर देवता का शयन हो जाएगा और देवताओं के शयन के पहले जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और इसी दिन से लेकर के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी तक देवता शयन करेंगे। और जब देवता शयन करने के लिए जाते हैं उस समय हम इस व्रत का पालन करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही सोते सोते देवता हमारी मनोकामनाओं को, हमारी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे।
और जो भक्तजन माताएं बहने 20 जुलाई 2021 को देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारणा 21 जुलाई 2021 बुधवार को सुबह 5:36 से लेकर के सुबह 8:21 तक कर लेना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान करना है और उसके पश्चात आपको भगवान के सामने आसन लगा करके बैठ जाना चाहिए तथा संकल्प धारण करके हाथ में जल लेकर के और एकादशी व्रत के पारणा यानी व्रत खोलने का संकल्प आपको करना चाहिए। और जो वस्तु आप दान देना चाहते हैं उसका भी मन में आपको स्मरण करने चाहिए। द्वादशी के पारणा के समय यानी व्रत खोलने के बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यदि आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आप भोजन के निमित्त नगद राशि ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अन्नदान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, गौदान दे सकते हैं या जो भी वस्तु चाहें आप ब्राह्मण को अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल किए जाने वाले संकल्प सुनाने जा रहे हैं। इस संकल्प के माध्यम से आप अपने हाथ में जल, तुलसी जी के पत्ते तथा सुपारी, पीला पुष्प, जव और तिल या दोनों में से कोई भी एक वस्तु रख करके हाथ की मुद्रा इस प्रकार रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प में सबसे पहले 3 विष्णु विष्णु का उच्चारण करें। ओम तिथिर विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेवच योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत् मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तेक देशे ही अपने देश अपने प्रदेश अपने नगर अपने शहर का नाम उच्चारण करिएगा। ब्रह्म वर्तेक देशे ही मध्य प्रदेशे ही मालवा क्षेत्रे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही अद्य दिवसे ही भोपाल नगरे ही सम्मत 2077 ही वर्षा ऋतौ सूर्य दक्षिणायने ही अनुराधा दिवस नक्षत्रे ही वृश्चिक राशि स्थे श्री चंद्रे ही कर्क राशि स्थे श्री सूर्ये ही कुंभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु अद्य दिवसे ही आषाढमासे ही शुभे शुक्ल पक्षे ही पद्मा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः देवशयनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मम आत्मनः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, उसके बाद अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं तो अपना सरनेम भी आप बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम समस्त मनवांछित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमन वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही देवशयनी पद्मा एकादश्यायां संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त्यर्थम एकादशी व्रत कर्माहं करिष्ये ही। इस प्रकार आपको संकल्प भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैं आज देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरे इस व्रत को आप पूरा करने का मुझे सामर्थ्य तथा शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार आप प्रभु से अपनी मन की इच्छाओं को प्रकट करके प्रार्थना कर लीजिएगा। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने ज्ञानवर्धक जानकारी आपको जो प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।